able to understand. Where are the rest of the people? चलो दो ही लोग बचे, सुवारिया और तीसरा. चलो कोई नहीं, अब जो आएगा उसका छूटेगा. स्टार्ट करते हैं. देखो मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ तक पढ़ा लिया. आपके बैच में मैंने पढ़ा दिया था थ्योरीज ऑफ, जो मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है ना. तो एवोल्यूशन, इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि लैमार्किज्म क्या है. लैमार्किज्म है ना, तो लैमार्क की जो लैमार्कियन थ्योरी थी, लैमार्क ने बोला कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. मैंने इसके सब पार्ट आपको बता दिए थे. सेकंड थी डार्विनियन कॉन्सेप्ट, डार्विनिज्म. तो डार्विनिज्म मैंने आपको बता दिया, राइट. और डार्विनिज्म के बाद आप देखिए थर्ड नंबर पर है हमारी जो थ्योरी है, दैट इज डेवेरीज की कॉन्सेप्ट, है ना. ये बताओ, ये बताया था कि नहीं बताया था? बस मुझे इसी को डाउट है, इसको शायद मुझे ये बताना था, यहीं से स्टार्ट करना था. DRIS, डेवेरीज म्यूटेशन थ्योरी. जुआरिया तिशा, आप लोग थे लास्ट क्लास में? सर आपने करवाया था पिछले से पिछले क्लास में. कुछ मैं लास्ट क्लास में नहीं थी सर. अच्छा आप लास्ट क्लास में नहीं थे. जुआरिया आप बट थे? लास्ट टू लास्ट में आपने ये कराया था. लास्ट टू लास्ट में मैंने कराया था. यस सर. नहीं नहीं ये मतलब ये तीनों करवा दी थी. यस सर, ये बाकी वाले दो तो लास्ट टू लास्ट टू लास्ट में करा दिया था. लास्ट क्लास में मैंने करवाया था ये वाला लैमार्किज्म और ये. सर नहीं, ये तो पहले से किया हुआ है पर मैंने किया हुआ है. अच्छा ह्यूमन एवोल्यूशन हमने पढ़ लिया क्या? नहीं ह्यूमन नहीं पढ़ा शायद. अगर लास्ट में कराया था तो लास्ट में नहीं था. एक मिनट रुको, जस्ट गिव मी वन सेकंड, मैं खुद ही चेक कर लेता हूं. मैं नोट करके रखता हूं टॉपिक, मेरे पास नोट डाउन होंगे टॉपिक मैंने क्या कराया था. मुझे लगता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन मुझे कराना है, और मुझे लगता है कि मैंने डिवेरीज की म्यूटेशन थ्योरी नहीं कराई. ये मैंने दूसरे वाले आगे वाले नेक्स्ट वाले बैच में करवा दिया है. आपको डिवेरीज की म्यूटेशन थ्योरी नहीं कराई, मुझे चेक कर लेने दो, मैं बता देता हूँ आपको क्या करा रहा है. लास्ट क्लास थी हमारी डार्विन लैमार्क और मिसिंग लिंक बताई थी. डार्विन लैमार्क नहीं नहीं बताया आपको मैंने, ये डिवेरीज थ्योरी नहीं बताया. लैमार्क और बताया था, और मैंने आपको मिसिंग लिंक बताया था, डार्विनियन थ्योरी बताई थी और लैमार्कियन थ्योरी. सिक्स को क्लास थी ना हमारी लास्ट क्लास. सर पर मैंने किया हुआ ये म्यूटेशन और सॉल्टेशन वगैरह किया हुआ है. यस सर. ये तो हमने उसमें किया था जेनेटिक्स में, वो तो नहीं बता रहे हो सर. अभी करवाया था कुछ दिन लास्ट क्लासेस में ही करवाया है मैंने. अच्छा yes, अच्छा फिर इसके बाद ये बताओ ह्यूमन एवोल्यूशन करवाया मैंने. ह्यूमन एवोल्यूशन पीडीएफ मैंने दिया हुआ है ह्यूमन एवोल्यूशन का. पीडीएफ मैंने बोला था ले लेना, ऐसा कहा कि मैंने दिखाता हूँ मैं. सर मैंने आमना से लास्ट क्लास के नोट्स मांगे थे, उसमें आपने करवाया हुआ है. ठीक है. एसडब्ल्यू फॉक्स के क्या 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 कर रहा था? एसडब्ल्यू फॉक्स का और लास्ट था वो तो एसडब्ल्यू फॉक्स का बहुत पहले का था. हाँ लॉजिकल एविडेंसेस. ठीक है वो इसके बहुत पहले का. हाँ वो बहुत पहले. सर मेरे को इतना याद है वाला करवाया था आपने म्यूटेशन. लैमार्किज्म डार्विनिज्म रखा है ना. यस सर. ये बाकी लोग गए का. अनुष्का वाज यू देयर इन लास्ट क्लास? नो सर सॉरी मैं घर पे नहीं थी. तीशा दिव्यांशी थी क्या लास्ट क्लास में? तुम दिव्यांशी का तो माइक ही नहीं करने पे. तीशा तुम थे लास्ट क्लास में? तुम भी नहीं थी? नहीं सर. फिर तुम लोग कैसे बताओगे कि ये करवाए? मुझे लग रहा है कि अच्छा चलो मैं एक वो दिखाता हूँ पीडीएफ, बताना तुम में से कोई होगा तब ना बताएगा. ये भी बात सही है. देखना ह्यूमन एवोल्यूशन ये लास्ट चीज है. मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैंने नहीं कराया ह्यूमन एवोल्यूशन नहीं कराया, मतलब क्योंकि मैंने नोट भी कर रखा है. मैं टॉपिक जो करवाता हूँ मैं नोट कर लेता हूँ, उसको बताना. चलो ये किया हुआ है
ह्यूमन एवोल्यूशन, ये पीडीएफ है आपके पास, किसी के पास? ये वाला, इससे समझ में आ जाएगा एवोल्यूशन है सर? नहीं है, नहीं है ना? ठीक है, तो ह्यूमन एवोल्यूशन देखो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब अगर डेवेरिज की थ्योरी नहीं कराई तो करा दूंगा, एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक लेना, ठीक है? लैमार्किज्म डार्विनिज्म वो तो करा चुका हूँ, मुझे पता है। आपके आगे वाले बैच में मुझे याद है कि मैंने डेवेरिज की थ्योरी भी करा दी, इसके आगे वाली थ्योरी करा दी थी, यहाँ से स्टार्ट करना था। आपके में शायद डेवेरिज की थ्योरी रह रही, मुझे ऐसा लग रहा था कि सॉल्टेशन क्या होता है मैंने आपको नहीं बताया था, सॉल्टेशन क्या होता है। चलो कोई नहीं, चेक कर लेना, लिखा हुआ है। हाँ तो फिर ठीक है, फिर मैंने एक्चुअली क्या है ना कि एक कुछ लोगों ने क्या किया था, ये वाली क्लास मिस कर दी थी उन्होंने, रात वाली क्लास ज्वाइन की थी, इसके बाद वाली नेक्स्ट सवा सात वाला बैच, सवा सात वाले बैच में मैंने लैमार्किज्म डार्विनिज्म डिवेरिज की थ्योरी और इसके आगे वाला ये भी करवा दिया, और आप वाला जो बैच है ये वाला बैच था उसमें लैमार्किज्म डार्विनिज्म करवाया था, डिवेरिज और म्यूटेशन थ्योरी ये रही थी, है ना? अब आप एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन। तो देखो सबसे पहले क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से बताएं, ये एक्सक्लूसिवली नीट का टॉपिक है बिल्कुल, ये जो पीडीएफ आपको बना हुआ है ये मैं शेयर कर दूंगा, शेयर क्या कर दूंगा, निष्कर्ष जी के पास ऑलरेडी है, आप लोग उनसे डिमांड कीजिएगा वो दे देंगे, ठीक है? ये मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं, इसमें सिर्फ उतना है जितना आपको याद करना है, अदरवाइज आप एवोल्यूशन का ये पार्ट तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और मैक्सिमम बच्चे मेडिकल वाले छोड़ देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, यहाँ पे बहुत क्रिस्प फॉर्म में मैंने कोशिश की लिखने की। देखो जो टाइम पीरियड है वो बहुत बड़ा टाइम पीरियड, जैसे अभी क्या होता है हम डेज को वीक में डिवाइड करते हैं, है ना? वीक्स को फिर फर्दर मंथ में, मंथ को फर्दर ईयर में, ईयर को डिकेड में, डिकेड को सेंचुरी में, है ना? ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो डिवीजन, ठीक है, उसी तरह से अब ये टाइम पीरियड अर्थ में जब लाइफ इवॉल्व हुई टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड नापने का मेजर करने का जो हमारा पैरामीटर है बायोलॉजी में उसको हम एरा कहते हैं। एरा को हमने डिवाइड किया बहुत सारे पीरियड्स में, और पीरियड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है एपोक में, ठीक है? तो आप देखो यहां पे इस साइड यहां पे लिखा होगा एनिमल या प्लांट का किस चीज का एवोल्यूशन हुआ है, तो सबसे पहले आते हैं आर्कियोजोइक एरा, ये स्टार्ट होता है 4600, ये मिलियंस में दे रखा है टाइम पीरियड, याद रखना 4600 मिलियन से 3500 मिलियन ईयर्स आगो, इस टाइम पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, लेकिन इस टाइम के कोई भी फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है, ये स्पेकुलेशन है, ऐसा माना जाता है स्पेकुलेशन या कैलकुलेशन है जिसमें माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कब। आर्कियोजोइक के बाद आता है प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक जो है वो 3000 और 1000, मतलब 1000 से 3000 ईयर्स एगो था, 3000 मिलियंस ईयर्स एगो पहले प्रोकैरियोट्स बने, 2000 मिलियन ईयर्स एगो प्रिमिटिव यूकैरियोट्स आए, और 1000 मिलियन ईयर्स एगो प्रिमिटिव मेटाजोन्स मतलब स्पॉन्जेस और निडेरियंस आ गए। उसके बाद एरा आता है पेलियोजोइक, पेलियोजोइक को फर्दर कई सारे पीरियड में डिवाइड किया गया, पहला पीरियड है कैम्ब्रियन, इसमें ऑल वर्टिब्रेट फाइला एस्टेब्लिश, तो इनवर्टिब्रेट आ गए पहले, तो सबसे पहले कैम्ब्रियन में इनवर्टिब्रेट, आपसे नीट में यही क्वेश्चन पूछा आया था कि इनवर्टिब्रेट कब आए, कैम्ब्रियन में, ऑर्डोवेशियन में, सिल्यूरियन में, डेवोनियन में, है ना, या कितने सौ साल पहले, कितने मिलियन ईयर्स पहले आए, बस इतना ही पूछा जाएगा। ऑर्डोवेशियन टाइम पीरियड में ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट आना स्टार्ट हो, सिल्यूरियन में ओरिजिन ऑफ जॉड फिश, जो जबड़े वाली मछलियां थी जॉ फिश आई, विंगलेस इंसेक्ट आए, ऐसे इंसेक्ट आए जिनमें विंग्स नहीं पाए जाते थे, और स्पोर बियरिंग प्लांट आए, मतलब कि टेरिडोफाइट आए होंगे। डेवोनियन टाइम पीरियड में ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन, मॉसेस एंड फर्न, मॉसेस फर्न और एम्फीबियन डेवोनियन में आए। कार्बोनिस फेरियस पीरियड में रेप्टाइल एंड विंग्ड इंसेक्ट आए, या विंग्ड इंसेक्ट पूछा हुआ है, रेप्टाइल कब आए ये भी पूछा हुआ है। एबंडेंस ऑफ फर्न, तो यहां पे फर्न ट्रीज का एबंडेंस था। परमियन टाइम पीरियड में राइज ऑफ मॉडर्न इंसेक्ट एंड कोनिफर्स। ट्राइसिक टाइम पीरियड में राइज ऑफ फर्स्ट डायनासोरस एंड एग लेइंग मैमल्स, तो पहला डायनासोरस जो आया वो ट्राइसिक टाइम पीरियड में आया। जुरैसिक टाइम पीरियड में राइज ऑफ टूथ बर्ड, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो हम लोगों ने बर्ड पढ़ा मिसिंग लिंक वो इसी टाइम पीरियड की है। रेप्टाइल डोमिनेंट ऑन द अर्थ, कहा जाता है जुरैसिक जो टाइम पीरियड था 145 मिलियन ईयर्स अगो,
that is the golden era of gymnosperm, and that is the golden era of giant reptiles, means dinosaurs. Origin of flowering plant. अब देखो यहां पर नॉन फ्लॉरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म एबंडेंटली पाए जाते थे, लेकिन ओरिजिन ऑफ जिम्नो एंजियोस्पर्म यहां पे हो गया. क्रिटेशियस टाइम पीरियड, एक्सटिंक्ट ऑफ जायंट रेप्टाइल, डायनासोर कब गायब हुए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन. राइज ऑफ मॉडर्न फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल्स. क्रिटेशियस में डायनासोर गायब हो गए और मॉडर्न फिश का एवोल्यूशन हुआ, बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ और मैमल्स आ गए. पेलियोसीन में फर्स्ट प्राइमेट आया, हमारा एंसेस्टर का स्टार्टिंग. ईओसीन में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स. ओलिगोसीन में राइज ऑफ फर्स्ट मंकी एंड एप्स. मियोसीन में मैमल्स एट इट्स पीक, मैमल्स अपने पीक पे आ गए, फुल्ली डेवलप हो गए. मैन लाइक एप्स फॉर्म, तो पहला मैन लाइक एप फॉर्म हुआ. प्लियोसीन में मॉडर्न मैमल्स और फ्लॉरिंग प्लांट आ गए. प्लीस्टोसीन में प्रिमिटिव मैन डेवलप हुआ. होलोसीन रिसेंट है, मॉडर्न मैन, बर्ड, फिशेस और इंसेक्ट होलोसीन में क्रिएट हुआ. तो ये थे एरा, कब कौन आया और कब कौन गायब हो गया, इसमें ये जो दिया हुआ है ना, ये आपको याद रखना. ठीक भाई, एवोल्यूशन में आपको दिखा चुका हूँ, है ना, ये पैरेलल एवोल्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई थी, आपको समझा चुका हूँ पैरेलल एवोल्यूशन क्या होता है. ह्यूमन एवोल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं भाई, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ. ये 5 पेज की पीडीएफ है, अगर आप इसको कर सकते हो तो ये मेरा आपसे मतलब क्लेम है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है. लेकिन अगर आप बुक से पढ़ना चाहोगे, सो इट्स रियली टफ टू स्टडी फ्रॉम बुक, विल गेट कंफ्यूज और आपको चीजें इतनी क्रिस्प नहीं मिलेंगी. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, कई बार पढ़िएगा आपको याद रह जाएगा. एप्स, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन. मॉन्की एंड एप्स एंड ह्यूमन आर टुगेदर कॉल्ड एंथ्रोपोड्स. तो हम इन तीनों को मिलाकर के एंथ्रोपोड कहते हैं, मॉन्की को, एप्स को और ह्यूमन को. ह्यूमन आर क्लोजर इन फाइलोजेनी टू एप्स, विच इन टर्न आर क्लोजर टू ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की दैन न्यू वर्ल्ड मॉन्की. तो जो एप्स हैं, चिंपांजी वगैरह, वो आज के बंदरों के ज्यादा क्लोज नहीं है, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी, गोरिल्ला वगैरह उनके ज्यादा क्लोज. एप्स, द एप्स कंटिन्यू टू लिव मोस्ट ऑफ टाइम ऑन ट्रीज. तो एप्स कौन थे, दे कंटिन्यू टू लिव मोस्ट ऑफ टाइम ऑन ट्रीज, ओनली ऑकेजनली विजिटिंग द ग्राउंड. तो मैक्सिमम ये ट्री पे रहते थे, बहुत कम ये जमीन पे. एप्स बिकम लार्जर देन मंकी, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द ट्रीज and they started swinging in the branches. इनका शरीर बड़ा था मॉन्की के कंपेरिजन में, तो इनके लिए पेड़ों पे चलना मुश्किल हो गया, तो इस पे पेड़ों पे लटके रहते थे, और इसीलिए इनके हाथ क्या हो गए, मजबूत हो गए, branches with the arms. This movement all called branchiation. The ape's brain become enlarged and acquired a pattern of convolution. तो जो एप्स थे, उनका ब्रेन धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और उनमें जो फोल्डिंग हमारे ब्रेन पे सलकाई और गायरी दिखाई देती हैं, वो फोल्डिंग्स धीरे धीरे बढ़ने लगी. एंड मच लाइक देन दैट ब्रेन, तो अब धीरे धीरे वो ब्रेन की तरह दिखाई देने लगा. ह्यूमन एंसेस्टर्स ऑफ मैन, एंसेस्टर्स ऑफ मैन लेफ्ट ट्रीज एंड डेवलप्ड रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राउंड लाइफ. तो जो ह्यूमन के एंसेस्टर थे, एप्स में जो ह्यूमन के एंसेस्टर थे, वो पेड़ों से उतर कर आए जमीन पे, और उनको ग्राउंड लाइफ की रिक्वायरमेंट महसूस हुई. सच एज इरेक्ट पॉस्चर, लॉन्गर हैंड लिम्स, बाइपेडल लोकोमोशन, दो पैरों से चलना, फ्रीडम ऑफ फोर लिम्स, है ना, आगे वाले पैरों को चलने की बजाय फ्री करके रखना, परफेक्शन ऑफ बाइनाकुलर विजन, जो विजन था वो ज्यादा क्लियर हो गया, लैक ऑफ टेल, पूछ धीरे धीरे गायब हो गई, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स मैन बिकम लार्ज, सेरेब्रल पार्ट जो थिंकिंग का काम करता है वो ज्यादा बड़ा हो गया, मेकिंग मैन मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर, और इसने इंसान को सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर बना दिया. अब देखो, मैंने स्केमेटिक डायग्राम के हेल्प से आप दिखाने की कोशिश की है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, ठीक है, और आपको ये समझने की कोशिश कर, ठीक भाई. सबसे पहले क्या हुआ,
ट्री में पाए जाने वाले श्रीयुज डेवलप हुए, तो कुछ श्रीयुज लाइक एनिमल डेवलप हुआ, वो श्रीयुज लाइक एनिमल में एवोल्यूशन हुआ और लीमर और टॉर्शंस डेवलप हुए। लीमर्स आज भी पाए जाते हैं, वो कुछ कुछ बंदर और कुछ कुछ बिल्ली के जैसे दिखाई देते हैं, है ना। लीमर्स देखा होगा ना आप लोगों ने, लीमर्स नहीं देखा किसी ने, लो लीमर नहीं देखा किसी ने, लीमर आज भी पाए जाते हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई। सॉरी सर, वो इंटरनेट के साथ फिर से प्रॉब्लम हो रही थी, बारिश का मौसम हो रहा था ना। अच्छा अच्छा, ओके। तो ह्यूमन एवोल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो राइट टाइम पे। देखो ये लीमर्स होते हैं, दिखाए, दे आर लीमर्स। देखने को काम कुछ कुछ बिल्ली के जैसे दिखाई देते हैं, है ना, और कुछ कुछ मंकी की तरह दिखाई देते हैं, और आज भी ये माउंटेन्स पे पाए जाते हैं। दे आर एक्चुअली नॉक्टर्नल एनिमल, इनकी आंखें जो बड़ी बड़ी हैं वो इसीलिए हैं, ये रात में निकलते हैं हंट करने के लिए, है ना। नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं और बहुत एग्रेसिव एनिमल होता है ये, ठीक है, ये रात में निकलते हैं लीमर्स। तो पहले श्रीयुज डेवलप हुए, तो देखिए, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले श्रीयुज डेवलप होंगे, तो श्रीयुज कुछ श्रीयुज जैसा एनिमल डेवलप होगा, उससे लीमर और टॉर्शंस डेवलप हुए, टॉर्शंस भी ऐसे दिखाई देते हैं। अब इससे मंकी जैसा कोई एनिमल डेवलप हुआ होगा, उसका नाम था पैरापिथेकस, मतलब इनफैक्ट ओल्ड वर्ल्ड मंकी। अब पैरापिथेकस जो था, इसी पैरापिथेकस से न्यू वर्ल्ड मंकी आया, जो बंदर आजकल दिखाई देते, लाल मुंह वाले, काले मुंह वाले वगैरह वगैरह। तो इसी पैरापिथेकस से कौन आया, ये न्यू वर्ल्ड मंकी हुए, इसी से ओल्ड वर्ल्ड मंकी डेवलप हुए। ओल्ड वर्ल्ड मंकी का मतलब गोरिल्ला वगैरह डेवलप हुए होंगे इसी से, है ना, और इसी से ह्यूमंस की लाइन का जो एवोल्यूशन था वो स्टार्ट हो गया। तो हम तीनों के जो कॉमन एंसेस्टर है, तो हमने कहा कि तीनों को मिलाकर के न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और ह्यूमंस को मिलाकर और एंथ्रोपोड्स कहते हैं। तो एंथ्रोपोड्स का जो एवोल्यूशन रहा होगा वो पैरापिथेकस रहा। अर्लीस्ट फॉसिल फ्रॉम इजिप्ट एंड ओलिगोसीन, तो ओलिगोसीन में आया होगा और इजिप्ट में इसके फॉसिल्स मिले। पैरापिथेकस से ड्रायोपिथेकस डेवलप हुआ। अब ड्रायोपिथेकस कौन था, कैसा था और क्या करता था? ड्रायोपिथेकस फॉसिल ऐप इसको कहा जाता है, ड्रायोपिथेकस एफ्रिकेनसिस इसका नाम है, ठीक है, एफ्रिकेनस, ड्रायोपिथेकस एफ्रिकेनस इसका बायोलॉजिकल नेम है। कॉमन एंसेस्टर और एप एंड कॉमन मैन, एप्स का और हमारा एक कॉमन एंसेस्टर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ईस्ट अफ्रीका में, घाना वाना में कहीं पे पाया जाता रहा होगा ईस्ट अफ्रीका में। मियोसीन टाइम पीरियड में 25 बिलियन ईयर्स अगो, दिस इज क्लोज टू द चिंपांजी, ये चिंपांजी के क्लोज है। होमिनाइड एवोल्यूशन अकर इन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आप देखो ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो कहाँ पे हुआ, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो ड्रायोपिथेकस से क्या क्या बना, ड्रायोपिथेकस से गिब्बन बना होगा, आज भी पाया जाता है, ओरैंगोटैंग आज भी पाया जाता है, चिंपांजी और गोरिल्ला, है ना, तो ये सब आज भी पाए जाते हैं, राइट, ये सब ड्रायोपिथेकस से बने होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर आ जाओ, न्यू वर्ल्ड मंकी तो नॉर्मल वाले मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी ये गोरिल्ला के जैसे होते रहे होंगे, अब तो खैर नहीं पाए जाते ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है, एग्जैक्टली ओल्ड वर्ल्ड मंकी नहीं पाए जाते। अब आते हैं, तो ड्रायोपिथेकस किसका किसका कॉमन मेंबर है, ह्यूमंस का, गोरिल्ला का, चिंपांजी का, ओरैंगोटैंग का और गिब्बन का। इनमें सबसे हमारा जो क्लोजेस्ट, आज भी जो सबसे क्लोजेस्ट हमारा एंसेस्टर है वो चिंपांजी माना जाता है। अब यहां पर देखो ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस का, अभी जो रामापिथेकस है, एप लाइक प्राइमेट, लिव्स ट्रीज, ट्रेवल्ड ऑन ग्राउंड, जॉ बोन एंड टीथ लाइक ह्यूमन, ठीक है, ये एप लाइक प्राइमेट था, ये ट्रेवल जमीन पे मतलब ट्रेवल करता था, जॉ बोन एंड टीथ लाइक ह्यूमन, इसके जबड़े हड्डियां और टीथ सब ह्यूमन से मैच करते थे। स्मॉल कैनाइन, ये दांत जो कैनाइन वाले थे छोटे थे। लार्ज मोलर, मतलब कि ये मीट कम खाता रहा होगा, फ्लैश कम खाता रहा होगा, लार्ज मोलर
मतलब कि हर्ब्स और नट्स वगैरह खाने का काम ज्यादा करता रहोगे क्योंकि पीछे वाले जो उसके दांत थे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। दे ऐड हार्ड नट एंड सीड, दिखा भी है देखो, रामापिथेका से आया ऑस्ट्रेलोपिथेका से। अब देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंसिस इसका क्या है बायोलॉजिकल नेम, अपियर्ड इन साउथ अफ्रीका, ये सब याद रखना है, सब क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका में अपियर्ड होगा और ये ऊपर वाला कहां पे अवेलेबल हुआ था, ईस्ट अफ्रीका में, है ना। तो ड्रायोपिथेकस कहां पे था, ईस्ट अफ्रीका में, और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहां पे, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस साउथ अफ्रीका। प्लियोसिन 4 to 5 million ईयर्स अगो आया होगा। अफ्रीकन एप मैन इसको कहा जाता है, ह्यूमन एंड एप लाइक फीचर, टेरेस्ट्रियल क्रिएचर एंड बाइपेडल लोकोमोशन। तो जमीन पे रहने वाला ये एनिमल था, दो पैरों पे चलता था, हर्बीवोर्स था और फुली इरेक्ट बिल्कुल सीधा चलता था। स्मॉल कैनाइन, इंसीजर, टीथ, पेल्विक लेग्स, बोन लाइक ह्यूमन मैन। फॉसिल्स वेयर डिस्कवर्ड फ्रॉम इथोपिया, तंजानिया, प्रोबेबली 4 feet टॉल, 4 feet ऊंचा रहा होगा, एंड 5 क्रेनियल कैपेसिटी, जो इसका दिमाग था, ब्रेन था, वॉल्यूम 500 centimeters। अब आ जाते हैं होमो हैबिलिस, तो ये इधर वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस का और इधर वाला जो मैंने लिखा होमो हैबिलिस के बारे में लिखा है। क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कितने ईयर पहले इवॉल्व हुआ, कहां पर इवॉल्व हुआ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। टूल मेकर किसको कहते हैं, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, होमो हैबिलिस को टूल मेकर कहते हैं क्योंकि ये वो ऐप था, वो हमारा एंसेस्टर था जिसने सबसे पहले टूल का फॉर्मेशन किया, है ना। अब देखो अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ होगा अबाउट 2 million ईयर्स अगो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 4 to 5 million, ये ज्यादा लेटेस्ट है 2 million ईयर्स अगो। मोर मैन लाइक प्राइमेट, 1.5 to 1.8 meters टॉल, तो ये 1.5 meters से लेके 1.8 meters तक टॉल था। स्मॉल कैनाइन, छोटे छोटे इसके दांत थे, लाइट जॉ, जबड़ा इसका हल्का था। कम्युनिटी लाइफ एंड कम्युनिटी लाइफ लिव, तो ये क्या था, कम्युनिटी में रहते थे, साथ में बहुत सारे लोग रहते थे एक साथ। बाईपेडल लोकोमोशन, वॉक फुली इरेक्ट, दो पैर से चलते थे, सीधे चलते थे। फर्स्ट फॉसिल ऑफ मैन मेड टूल्स, तो सबसे पहला जो मैन मेड टूल मिलता है वो होमो हैबिलिस का मिलता है। ब्रेन की जो कैपेसिटी थी, आप देखो ऑस्ट्रेलोपिथेका सिर्फ 500 सीसी का ब्रेन था, यहां पर ब्रेन 650 to 800 centimeters cubic का ब्रेन। कार्निवोरस आर हंटेड लार्ज एनिमल्स, ये कार्निवोर थे मेनली और बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार करते थे क्योंकि झुंड में रहते थे, साथ में कम्युनिटी लाइफ में रहते थे। होमो हैबिलिस से अब एवोल्यूशन और हुआ और 1.7 मिलियन ईयर्स एगो प्लेस्टोसीन में इरेक्ट मैन पैदा हुआ जिसको होमो इरेक्टस कहा गया। होमो इरेक्टस क्योंकि बिल्कुल सीधा चलता था। अब देखो होमो इरेक्टस के कई सारे अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से इसके फॉसिल्स मिले। जावा में जो फॉसिल्स मिले हैं उसे जावा एप मैन कहा गया। पेकिंग मैन, ये चाइना से फॉसिल मिले हैं उसको पेकिंग मैन कहा गया, और जो जर्मनी से मिले हैं उसे हिडनबर्ग मैन कहा गया। तो जावा एप मैन, ये तीनों पूछे हुए क्वेश्चन नीट में, जावा एप मैन, पेकिंग मैन और हिडनबर्ग मैन, ये तीनों लोग जो हैं, ये तीनों अलग अलग जगह से फॉसिल मिले हैं। जावा एप मैन जावा से, पेकिंग मैन चाइना से, हिडनबर्ग जर्मनी से। तीनों है कौन, होमो इरेक्टस ही है। 1.5 to 1.8 meters टॉल रहा होगा, सीधे चलने वाला इरेक्ट पोस्चर। टूल्स ऑफ बोन एंड स्टोन, इसने हड्डियों में और स्टोन्स के टूल्स बनाए। परहैप्स नो यूज ऑफ फायर, इसे शायद आग के बारे में पता था। फ्लैटर एंड थिकर जॉ, इसके जो जबड़े थे वो फ्लैट थे और ज्यादा मजबूत थे। एंड प्रोट्यूडिंग जॉज, अब मुंह इसका बाहर निकला हुआ रहा होगा। स्मॉल कैनाइन एंड लार्जर मोलर, दांत ये छोटे रहेंगे कैनाइन और मोलर लार्ज रहेंगे। ब्रेन का वॉल्यूम 800 सीसी से 1300 सीसी तक था। मोर लाइक एप मैन देन मॉडर्न मैन, आज के आदमी की तरह नहीं दिखता था, ये ज्यादातर क्या एप्स की तरह ज्यादा मैच करता था। ओमनीवोर था, ये दोनों खाता था, वेज और नॉन वेज दोनों। इसके बाद आया होमो नियंडरथलस, तो नियंडरथल मैन जिसको आया है ना, तो नियंडरथल एक वैली है जर्मनी में जहां से इसके फॉसिल्स मिले। अब नियंडरथल वैली में वहां पे जब खुदाई की गई तो यहां पे देखा गया एक्सकेवेशन से कि अप्रोक्सीमेटली एक ग्रेवयार्ड मिला, उसमें करीब 100 लोग दबे हुए थे। अब चाहे वो ग्रेवयार्ड रहा हो, चाहे वहां पर दब के मर गए हो लोग,
जो भी रहा हो, हैंडेड इंडिविजुअल डिस्कवर्ड, ये लेट प्लेस्टोसीन का है, 1,00,000 to 34,000 ईयर्स एगो की बात है, इतने पुराने फॉसिल्स, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ होमो सेपियन, होमो सेपियन का प्रिमिटिव फॉर्म है, मतलब हमारा सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर है, सबसे प्रिमिटिव एंसेस्टर, शॉर्ट स्ट्रक्चर 1.5 मीटर to 1.66 मीटर इसकी लेंथ रही होगी, हाइट रही होगी, इरेक्ट पोस्चर सीधे चलता रहा होगा, स्ट्रॉन्ग शोल्डर, इसके शोल्डर मजबूत थे, लार्ज स्कल और ब्रेन की कैपेसिटी 1300 to 1600 cc थी, ओमनीवोर, फ्लैट क्रेनियम, स्लोपिंग हेड, जो हेड था वो आगे की तरफ स्लोप, प्रोट्रूडिंग जॉस, नो चिन, ये जबड़ा बाहर निकला हुआ था और इस पे चिन नहीं पाई जाती, लिव्ड इन केव्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने केव बनाए, बिल्ड हट, स्किल्ड हंटर था और फायर का यूज करना जानता था, बरीड डेड, ये मरे हुए लोगों को बरी करना जानते थे, रिलीजन था इनका, क्लॉथिंग ये लोग यूज करते थे और सोशल कस्टम से, नो नॉट पार्टिसिपेटेड इन एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, इन्होंने एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री लेकिन नहीं स्टार्ट की, इन्हें जानवरों को पालना नहीं आता था और ना ही एग्रीकल्चर करना। उसके बाद आए होमो सैपियंस, तो नियंडरथल के बाद होमो सैपियंस आते, फर्स्ट फॉसिल ऑफ क्रोमैग्नन रॉक फ्रांस, तो पहला जो फॉसिल मिला वो फ्रांस से मिला और क्रोमैग्नन रॉक में मिला, तो क्रोमैग्नन कौन है, होमो सैपियंस है, इवॉल्वड इन अफ्रीका एंड माइग्रेट हियर, तो वैसे इनका एवोल्यूशन तो अफ्रीका में हुआ होगा लेकिन धीरे धीरे चल करके कहां पे पहुंच गए, फ्रांस तक पहुंच गए, माइग्रेट करके आए हों, 34,000 ईयर्स एगो ये फॉसिल पाया जाता था, 1.8 मीटर टॉल था, लार्ज स्कल, स्ट्रॉन्ग जॉ, क्लोज टीथ और विजडम टूथ इनमें मौजूद था, हाई हेड, सर थोड़ा ऊपर था, ब्रॉड फेस, गोरिल्ला की तरह चौड़ा इनका फेस था, नैरो नोज, नाक थोड़ी छोटी थी, एंड प्रोटोबनिंग चिन, और ये चिन बाहर की तरफ निकली हुई थी, इसके पहले वाले में चिन नहीं, सोफेस्टिकेटेड टूल्स बनाना ये जानता था, हंटेड हंटर था, ओमनीवोर था, एनिमल स्किन यूज करता था, डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग एंड कार्विंग, तो केव्स में जो कार्विंग और पेंटिंग वो यहीं से डेवलप हुई, yet not taken agriculture and husbandry, अभी तक भी इसने agriculture और husbandry नहीं किया। Finally, हमारा ancestor आ गया homo sapiens sapiens, और फिर इंसान आ गया। Appeared in 2500 years ago, spread 10,000 years ago, है ना? तो 2500 नहीं है, 25,000 होगा, ठीक है? तो इसको यहाँ पे correct कर लेना, 25, appeared 25,000 years ago, तो 25,000 साल पहले आया, और 10,000 years ago ये spread हो गया। थिनिंग स्कल बोन, इसकी जो स्कल बोन थी वो थोड़ी थिन थी, और रिडक्शन इन द क्रेनियल कैपेसिटी, लेकिन ब्रेन का जो कैपेसिटी था वो थोड़ा कम हो गया, 1300 to 1600 हो गया, सुपीरियर ब्रेन पावर बट वीक बॉडी, इसका ब्रेन स्ट्रांग था लेकिन बॉडी क्या थी, कंपेरेटिवली बाकी एंसेस्टर से वीक थी, पीएबल पावर ऑफ हियरिंग एंड स्मेल, ठीक है, इसकी सुनने की और सूंघने की जो कैपेसिटी थी वो कम थी, बट स्टार्टेड कल्टिवेशन एंड डोमेस्टिकेशन, इसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया और कल्टिवेशन एग्रीकल्चर, तो ये था हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन। बताओ भाई, किसी को कहीं पे डाउट? नो सर, नो डाउट। ये वाला पूरा पीडीएफ मैं निष्कर्ष जी को दे चुका हूँ, आप उनसे ह्यूमन एवोल्यूशन का पीडीएफ ले लेंगे, है ना, और आप इसको पढ़ डालिएगा, नीट का आपका 100% कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आप बहुत कंफ्यूज होगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा, नॉर्मली इसीलिए बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इससे मैंने बताया आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से है। एवोल्यूशन हमारा खत्म हो गया। एक और चीज बताऊंगा, क्या और बताओ, पहले आप बताओ कुछ रह रहा है क्या एवोल्यूशन में, बोलो जल्दी बताओ, चेक करो, चला रहा है, कौन कौन है, अरे बोलो भाई, सर स्कूल में पढ़ाया नहीं तो मुझे पता नहीं कि अगर रह रहा है। अच्छा ओके, चलो मैं ही बता देता हूँ, कुछ रह रहा है थोड़ा सा, ये पीडीएफ आप ले लेना डिस्कस जी से। ओके सर, दो चीजें और,
इंडस्ट्रियल मेलानिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्या किसी को? नीट का पेपर देखा होगा तो भी पता होगा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पता है? नहीं? चलो तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है ये नोट करो, इट इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन किसने कहा? डार्विन ने नहीं कहा? डार्विन ने तो कहा, याद है कि भूल गए सर? यस सर, डार्विन ने कहा तो नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जिसको कहा गया। मैं लिखवा दूंगा इसको, इसका नाम आप लिखवा दूंगा, मैं पहले बता देता हूँ है क्या चीज, और आपको पूरी बात, आप पूरा 100% फोकस होकर के मेरी बात सुनिएगा बस, तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी। तो कहानी ये है भाई लोगों कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या चीज है, ये जो प्रोसेस है इसको ऑब्जर्व किया गया इंग्लैंड में। हुआ क्या कि सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्टिंग के टाइम पे जो स्टेम हुआ करते थे ट्रीज के, तो ट्रीज के जो स्टेम थे वो व्हाइटिश कलर के हुआ करते थे, कुछ व्हाइट व्हाइट कलर के हुआ करते थे, जिससे होता क्या था, दो तरह के मौत पाए जाते, इनको मौत कहते हैं। इसका एक्चुअल में इस मौत का टेक्निकल नाम है बिस्टन ब्यूटिनेरिया, है ना। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का जो एग्जाम्पल है वो बिस्टन ब्यूटिनेरिया है। बिस्टन ब्यूटिनेरिया की दो स्पीसीज पाई जाती थी, आपके सामने दिखाई दे, पहला ऊपर वाला डायग्राम पे, तो यहां पर एक व्हाइट कलर के होते थे और एक ब्राउन कलर के होते, ब्लैक इस टाइप के। तो अभी क्या होता था, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के डेज पे ट्रीज के स्टेम व्हाइट कलर के हुआ करते थे, तो व्हाइट वाले अपने आप को हाइड कर लेते थे, तो ये जल्दी से पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन ब्लैक वालों का कलर कंट्रास्ट था तो दूर से प्रीडेटर को दिखाई दे जाता था कहां पर मौत पड़ा हुआ है, और वो क्या करते थे, मौत को पकड़ के खा जाते थे। जिससे कि क्या हुआ, धीरे धीरे ब्राउन वालों की जो पॉपुलेशन थी वो खत्म होने लगी, कम होने लगी, और व्हाइट वालों की पॉपुलेशन ज्यादा थी। इसके बाद क्या हुआ, 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बड़ी बड़ी मशीन चलना शुरू हो गए, इंग्लैंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि कोयला खूब सारा कोयला जलाया गया, कोयले के जलने की वजह से खूब सारा धुआं उड़ा, और पेड़ों के जो स्टेम थे वो ब्लैक कलर के हो गए। अब क्या हुआ, ब्लैक कलर के स्टेम हो जाने के बाद, ब्राउनिश टाइप के स्मोकी और ब्लैक कलर के स्टेम हो जाने के बाद, अब ये ब्लैक वाले अपने आप को आसानी से कैमोफ्लॉज कर सकते थे, हाइड कर सकते थे, और प्रेडेटर इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन ये समस्या, ये जो ऊपर दिखाई दे रही है, ये थी अब व्हाइट वालों के लिए। अब धीरे धीरे प्रेडेटर ने व्हाइट वालों को ज्यादा खाना शुरू कर दिया और ब्लैक वाले बचने लगे, धीरे धीरे ब्लैक वालों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और ब्लैक वालों की पॉपुलेशन काफी हद तक बढ़ गई। अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, अराइवल होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई और इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन होने की वजह से पोल्यूशन को बंद किया गया, कोयले को जलाना लोगों ने बंद कर दिया, कोयला महंगा भी था और दूसरा क्या, पोल्यूशन भी ज्यादा फैलाता था। कोयला जब बनना बंद हुआ तो क्या हुआ, फिर से पेड़ों के तने क्या हो गए, व्हाइट होने लगे, और फिर से ब्लैक वालों की पॉपुलेशन गिरने लगी और व्हाइट वालों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इस स्टडी को इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहा जाता है। समझ में आ गया? यस सर। तो क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन कैसे हुआ, नेचर में जो अपने आप को अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऐसा डेवलप कर सकता है कि नेचर में जो हाइड कर सकता है वो सर्वाइव कर गया, जो नहीं हाइड कर पाया वो सर्वाइव नहीं कर पाया, यही है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो कभी ब्लैक वाले फिट हैं तो कभी व्हाइट वाले फिट हैं, ठीक है। सर अभी तो कुछ लिखवाया है क्या? ना ना कुछ नहीं लिखवाया। सर आपने वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन लास्ट आपने वो दिया था टॉपिक हमें लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में कौन सा मैंने पढ़ाया था ये बताओ। सर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन आपने टॉपिक दे दिया था बस। अच्छा ये रुकना है, मैं इन लोगों से बड़ी देर तक यही पूछ रहा था, हाँ, और मैं इन लोगों से कह रहा था कि ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट चौथा वाला, ये लोग मान ही नहीं रहे थे मेरी बात, है ना, ये नहीं पढ़ाया ना मॉडर्न कॉन्सेप्ट।
चौथा वाला ये पर रह रहा था, ये लिखवा देना। इससे पहले ह्यूगो डेवरी म्यूटेशन थ्योरी लिखवा दी थी। हाँ ये डिवेरीज के, ये डिवेरी, ये लेमार, पहले लेमार्किज्म, डार्विनियन, फिर डिवेरीज की थ्योरी बताई थी ना, लिखवा दिया था। यस सर, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स फॉर रेवोल्यूशन ही लिखवाया था। वही तो मैं यही इन लोगों से कह रहा था, ये लोग मान नहीं रहते मेरी बात, ये बताने की कोशिश कर रहा था, ये भी मैंने नहीं करवाया। ठीक है, तो अब एक काम करो, पहले वो लिख लो है ना, वो कर लो ठीक है, और फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट बता देता हूँ है ना। तो पहले आप इसको कर ही लो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को, ठीक है। यस सर, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म मतलब इसी का एग्जांपल लेते हैं ना, तो नोट करो। मौत का नाम था वेस्टर्न ब्यूटेनेरिया, नाम लिख लो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में, मैं लिखा देता हूं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये किसका एग्जांपल है? एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब होता है भाई साहब? डार्विनिज्म है ना। और यस सर, एक लाइट कलर्ड मौत था इसमें, जो लाइट कलर्ड मौत था उसका नाम था डिस्टन ब्यूटुलेरिया, लिख देता हूं डिस्टन ब्यूटुलेरिया टाइपिका, ये व्हाइट वाला था है ना, लाइट कलर्ड मॉथ। और दूसरा था एक डार्क मेलानिक स्पीसीज, मतलब डार्क कलर वाला, काले वाला, डार्क मेलानिक स्पीसीज, ये थी क्रिस्टन ब्यूटुलेरिया, क्रिस्टन बीई है भाई, क्रिस्टन ब्यूटुलेरिया और कार्बोनेरिया, काला वाला, ठीक है। अब नोट कर लो, इनिशियली द व्हाइट कलर्ड या लाइट कलर्ड मॉथ वर वेल एडेप्टेड, इनिशियली द लाइट कलर्ड मॉथ वर वेल एडेप्टेड एंड नॉट सीन बाई बर्ड, नॉट सीन बाई बर्ड, फुल स्टॉप। एज इसी में लिखेंगे, एज इन इनिशियल डेज स्टेम्स वर वाइट, एज स्टेम्स वर वाइट एज दे वर कवर्ड विथ वाइट लाइकेन। नेक्स्ट, सो व्हाइट, व्हाइट लाइकेन, स्टार्टिंग में इंग्लैंड में नॉर्मल ट्री के ट्रंक पे व्हाइट कलर के लाइकेन पाए जाते थे और उन्हीं में व्हाइट वाले मौत अपने आप स्टेम व्हाइट होते थे पूरे के पूरे। लाइकेन, हाँ, एल आई सी एच ई एन, लाइकेन। अच्छा, ओके सर, लाइकेन पढ़ा था ना उन्होंने। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्ट्रक ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल
लाइकेन किल्ड, तो लाइकेन क्यों मर गए कोल बर्न होने से, कौन बताएगा मुझे? सो ऑक्सीजन और सॉइल पोल्यूशन। हाँ हाँ क्या क्या? सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा तो फिर नहीं बेटा नहीं नहीं लाइकेन तो सॉइल में नहीं पाए जाते ना, ट्री के ट्रंक्स वगैरह में पाए जाते हैं। कोई देवांशी तुम बताओ, देवांशी इज माय प्रीवियस बैच स्टूडेंट, देवांशी को मैंने कभी बोलते ही नहीं सुना। देवांशी बताओ, वो ऑलवेज मैसेज करती है, बोलो बोलो जल्दी बताओ। लाइकेन क्यों मर गए पोल की वजह से? अरे भाई भाई लोगों, 11th में हमने पढ़ा था कि लाइकेन को नेचुरल एनवायरमेंटल इंडिकेटर कहा जाता है, अगर एनवायरमेंट पोल्यूट हुआ तो लाइकेन मर जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का जैसे कंटेंट बढ़ेगा, अगर लाइकेन कहीं पे मरने लगे तो समझिए हवा में सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ गया। मतलब ये है कि क्या हुआ, मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर पोल्यूट हुआ। SO2 कहां से डेवलप होती है? इसके दो मेन सोर्स है, कोल और क्या, डीजल। कोल और डीजल का जब भी पोल्यूशन बढ़ेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी और उससे लाइकेन मर जाएगी, इसीलिए इनको नेचुरल एनवायरमेंटल इंडिकेटर कहा जाता है। क्लियर हो गया अभी? तो लाइकेन yes. क्यों मर गए? कोयला जलाया, SO2 बढ़ा, लाइकेन तो मरेंगे मरेंगे। ठीक भाई? यस सर। लाइकेन डाइड ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। एंड द डार्क कलर्ड ब्रांच, डार्क कलर्ड बार्क एक्सपोज्ड, एंड डार्क कलर्ड बार्क एक्सपोज्ड। अब क्या हुआ, डार्क कलर वाली बार्क एक्सपोज हो गई, तो अब क्या हो गया, जो लाइट कलर वाले हैं वो आसानी से पकड़े जाएंगे। लाइट कलर्ड मॉथ, नेक्स्ट ऐसे भी लिखेंगे फुल स्टॉप, लाइट कलर्ड मॉथ आर पिक्ड अप बाय प्रेडेटरी बर्ड। फुल स्टॉप। अब क्या हुआ, व्हाइट वाले पकड़े जाने वाले, तो नेचर ने क्या किया, मौत के अंदर कुछ म्यूटेशन हुआ नेचर में, जिसकी वजह से ये जो लाइट कलर्ड वाले मौत थे वो डार्क कलर वाले मौत में धीरे धीरे उनका कलर डार्क होने लगा और डार्क कलर वाले मौत में कन्वर्ट हो गए। नोट करो, फॉर सर्वाइवल नेचर हैज प्रोड्यूस्ड म्यूटेशन, फॉर सर्वाइवल ऑफ मौत Nature has produced mutation, a dark colored melanic species from dark colored melanic species from light colored species. ठीक है, within a small time of period, within a small time of period, the dark species have replaced light colored moth. ठीक है, यही था इंडस्ट्रियल मेलन। क्लियर भाई? यस सर। बोलो बोलो। अच्छा पहले मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, फिर हार्डी बेनबर्ग लॉ पढ़ा देता हूं। हार्डी बेनबर्ग लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एवोल्यूशन में बहुत पकाने वाला चैप्टर है यार। डिवेरीज का कौन सा पढ़ाई चुका था मैं आपको, और आप हो रहा है। हाँ चलो,
नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रेजेंट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। फोर्थ था, तो मैंने आपको थ्री ये पढ़ा दिए थे, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, डिवेरिस थ्योरी। आ जाते हैं प्रेजेंट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। अब देखिए, नोट करें, अब ये है क्या चीज मैं आपको बता देता हूं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं। ये है क्या चीज, ये दो चीजों का एक्चुअली वैसा मिक्सचर है। ये न्यू डार्विनिज्म, और प्लस डिवेरिस की जो थ्योरी थी ना, डिवेरिस की, इन दोनों की थ्योरी का ये क्या है, मिक्सचर है। डिवेरिस, DRIES, डिवेरिस, तो न्यू डार्विनिज्म और डिवेरिस, ये दोनों चीजों का मिक्सचर। इसको इसीलिए हम इसको सिंथेटिक थ्योरी बनते हैं, ये दो चीजों को मिला के बना हुआ है ना। और इसको दिया किसने था, इट वॉज एक्सप्लेन बाई जीएल स्टेबिन। इट वॉज एक्सप्लेन बाई जीएल स्टेबिन इन हिज बुक। तो जीएल स्टेबिन साहब थे, इन्होंने सिंथेटिक थ्योरी दी, और ये मिक्सचर क्या है, न्यू डार्विनिज्म और डिवेरिस का मिक्सचर है। और इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट, एज यूजुअल, इसमें भी क्या लिखेंगे, नोट करेंगे फैक्टर्स, नोट करेंगे फैक्टर्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। फैक्टर्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ए। तो सबसे पहला उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा कि जेनेटिक वेरिएशन होगा किसमें, पॉपुलेशन। तो जेनेटिक वेरिएशन क्या हो गया, मतलब उनके जीन्स में चेंजेस होंगे। क्यों चेंजेस होंगे, एनवायरमेंट की वजह से चेंजेस होंगे, या क्यों चेंजेस होंगे, म्यूटेशन की वजह से चेंजेस होंगे, है ना, इस वजह से चेंजेस होंगे। तो नोट करेंगे एवोल्यूशन आकर्स, एक पॉइंट नोट करो, एवोल्यूशन आकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, accumulation of genetic variation in population over a long period of time, over a long period of time, ठीक है। तो genetic variation बहुत तरह से हो सकता है, बहुत टाइप से हो सकता है। तो पहला कारण हो सकता है क्या, genetic variation, नहीं, पहला कारण होगा genetic variation। तो अब क्या होगा, जीन्स में चेंजेस हो गए, एनवायरमेंट में चेंज होंगे, एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से जीन्स में चेंज होंगे। जिनमें जेनेटिक वेरिएशन हो जाएगा उनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो दूसरे नंबर पर आते हैं, फिर होगा नेचुरल सिलेक्शन। तो जेनेटिक वेरिएशन तो पहले डी वेरिस कह रहा था, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन कह रहा है, इसीलिए दोनों का मिक्सचर है। नोट करेंगे नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, natural selection takes place in those organisms which develop useful traits,
फुल स्टॉप. इट इनेबल्स देम टू रिप्रोड्यूस एंड ग्रो. इट एनेबल्स देम टू रिप्रोड्यूस एंड ग्रो एट हायर रेट. फुल स्टॉप. मोर एंड मोर offspring, more and more offspring survive. In comparison to others, more and more offspring survive in comparison to others. ठीक है. This leads to change in the population. ठीक है. तो पहले जेनेटिक वेरिएशन होगा, फिर जेनेटिक वेरिएशन से जिन्होंने पॉजिटिव फीचर डेवलप कर लेगा उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा. अब क्या हुआ, थर्ड प्रोसेस होगी स्पेसिएशन. अब नेचुरल सिलेक्ट होके जिनमें वेरिएशन हो गया वो बाकियों से धीरे बहुत सारी जनरेशन बाद अलग दिखने लगेंगी और वो नई स्पीसीज की तरह बिहेव करने लगेंगे. नई स्पीसीज का क्रिएशन होगा स्पेशिएशन. तो थर्ड प्रोसेस होगा स्पेशिएशन. नोट करेंगे. व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज और अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट. व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज और a section of population migrate to new area, migrate to new area. With new area, comma, new species may arise. Full stop. Origin of new species from the existing one. Origin of new species from existing one is called speciation. Next. अब क्या होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए. डी है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना. अभी क्या हुआ कि अचानक से इसी तरह से एटमॉस्फेयर चेंज होता रहा, है ना. एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से यहां पर क्या हुआ, इंडिया में मान लेते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे 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 धीरे, 100 साल बाद क्लाइमेट इतना चेंज हो गया कि हर जगह बर्फ गिरने लगी. अब क्या होगा, जितने सारे डॉग्स हैं, अब नॉर्थ इंडिया में जितने डॉग्स पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में डॉग्स पाए जाते हैं, वो सर्दी में रहने के एडिक्टेड नहीं, उनमें से कुछ डॉग की स्पीसीज मर जाएंगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर. लेकिन कुछ डॉग की स्पीसीज होंगी उनमें बड़े बड़े फर डेवलप हो जाएंगे, कान छोटे हो जाएंगे, बड़े बड़े फर डेवलप हो जाएंगे, उनमें सब क्यूटिनेशियस फैट डेवलप हो जाएगा. ऐसा एडेप्टेशन धीरे 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 उनमें एडेप्टेशन होने लगे. तो क्या हुआ, जेनेटिक वेरिएशन आ गया. जेनेटिक वेरिएशन की वजह से अब जो बाकी के स्पीसीज हैं वो बहुत कम बचेंगी और जो अपने अंदर एडेप्टेशन डेवलप होंगे वो ज्यादा डोमिनेंटली पाए जाने लगेंगे इंडिया, उनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा. अब इस तरह से एक नई स्पीसीज बन गई. अब क्या हुआ, ये जो बड़े फर वाले जो डॉग्स डेवलप हुए हैं, अगर इन्होंने जिनको नेचुरली रिजेक्ट कर दिया गया, उनमें बहुत सारी स्पीसीज होंगी जो बहुत थोड़े बड़े पॉपुलेशन में बचेंगी, कुछ तो खत्म ही हो जाएंगी और कुछ ऐसी होंगी जो बहुत वीक हो जाएंगी, बहुत ही लिमिटेड एरिया में पाई जाएंगी जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है. अब अगर ये नई वाली स्पीसीज रिप्रोडक्टिव, ये अपने ही लोगों के बीच में जिनमें वेरिएशन हुआ उन्हीं के बीच में रिप्रोड्यूस करेगी, तब तो स्पीसीज मेंटेन रहेगी.
लेकिन अगर ये इन पुराने वाले डॉग से रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनका जो स्पीसीज होगा वो मेंटेन नई स्पीसीज की तरह बिहेव नहीं करेंगे, फिर से मिक्स हो जाएंगी, है ना। ये नई वाली स्पीसीज जो डेवलप हुई है ये आपस में ही रिप्रोड्यूस करे, इसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहेंगे। तो स्पेसिएशन के बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बहुत जरूरी है एक नई स्पीसीज के कंटिन्यू रहने के लिए। अगर उसका किसी दूसरे से जीन कंटामिनेट हुआ गया रिप्रोडक्शन के थ्रू तो क्या हो गया, वो नई स्पीसीज नहीं रह जाएगी और फिर से ओल्डर वन वाले में मिक्स हो जाएगी। क्लियर है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो नोट कर लो, द पॉपुलेशन विद डिफरेंट जीनोटाइप अपियरिंग इन देम, the population with different genotype appearing in them must be isolated so that differences may accumulate at the level of speciation. Reproductive isolation check the hybridization. ठीक है भाई, मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चार पॉइंट याद रखें, जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, स्पेसिएशन और रिप्रोडक्टिव इसोलेशन, बस इतना याद रखें जितना मैंने आपको लिखा है। क्लियर है, कोई डाउट हो पूछो। नो सर। आज फिर बाकी लोग गायब हो गए, किधर गायब हो गए, आई डोंट नो यार, कहाँ चले गए भाई, पता नहीं सर। आप देखो, एक और कॉन्सेप्ट है, उसे बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ, या उसको बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ, पॉपुलरली इसी को हार्डी वेनबर्ग लॉ कहा जाता है। आप देखो, हार्डी वेनबर्ग लॉ बताता क्या है, है ना, तो नोट करेंगे। जीएच हार्डी वर मैथमेटिशियन, जीएच हार्डी वर मैथमेटिशियन एंड डब्ल्यू वेनबर्ग was a physician. They developed this equation. Full stop. Next point. This law states that this law पे बताता क्या है, this law states that relative frequency of allele अब allele allelomorph आपको सबको पता है, relative frequency of allele in a population of sexually reproducing organism remains constant from generation to generation as long as, तो उसने कहा जो relative frequency है एलील की वो constant रहती, कब, जब तक पहला पॉपुलेशन इज लार्ज इनफ, तो जो जीन की फ्रीक्वेंसी वो कॉन्स्टेंट रहने के लिए पहला फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन इज लार्ज इनफ, ये बात याद रखना, ये मैं लिखवा रहा हूं। तो पहली बात क्या है, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, स्मॉल नहीं होनी चाहिए। सेकंड, मेटिंग अकर्स रैंडम, occurs random, selective mating नहीं होनी चाहिए,
किसी की किसी से मेटिंग होनी चाहिए. म्यूटेशन डज नॉट अकर, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए. चौथा, ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन सर्वाइव, ऑल द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन सर्वाइव एंड हैव इक्वल रिप्रोडक्टिव रेट. अगर ये चार कंडीशन बरकरार रहें तो किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी. जीन्स की फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं. इन्होंने एक इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन क्या था, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर. तो क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1 होगा, है ना. ये 1 के इक्वल होगा, इज इक्वल टू जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल पॉपुलेशन. अब आप बताओ, देखो इसमें हमें पहले लिखवा दूं, ये पी क्या है, क्यू क्या है, पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट अलील, मतलब कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी. अब क्यू स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव अलील, अलील मतलब स्मॉल टी और 2PQ क्या है, 2PQ क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस एलील, मतलब कैपिटल टी कैपिटल. पहले नोट करो फिर मैं बताता हूँ ये है क्या चीज और कैसे इसे क्वेश्चन आएगा, ये बताता हूँ आप. और इसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है, आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि वहां पे फॉर्मूला नहीं लिखा होगा. और आपको ये हार्डी बेनबर्ग लगाना होगा, आपको लगेगा कि जेनेटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, और सॉल्व, लेकिन वो हार्डी बेनबर्ग से होगा. ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे. हाँ, हो गया, डन डन सर. ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि एक रिसर्चर ने क्या किया कि 64 टॉल प्लांट ले लिए और उसने क्या किया कि इनका क्रॉस करवा दिया. नहीं, एक रिसर्चर ने क्रॉस करवाया, उसमें F1 में 64 टॉल प्लांट बने, ठीक है. और दूसरा क्या है, उसने कहा कि और 81 जो बने वो डॉर शॉर्ट प्लांट बने. वो ये जानना चाह रहा है कि F1 जनरेशन में कितने ऐसे प्लांट बने जो कि हेट्रोजाइगस टॉल थे. और वो कह रहा है कि मान लो F2 में कितने बचे, वो कह रहा है कि F2 में कितने प्लांट बने जो हेट्रोजाइगस टॉल थे, ठीक है. उसने कहा कि एक रिसर्चर ने क्या कराया कि तो पहले वाले में तो देखो सब यही बनेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल बनेंगे, है कि नहीं. हाँ जी, ठीक है. रेशियो आता है ना, है ना. F2 में याद है ना, F1 में कितना आता है, 4:0 का, याद है. Yes, sir, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ लेना,
ये रेशियो, अब आप क्या करोगे, आप इस रेशियो से निकालना शुरू कर दोगे, है ना, आपको ये लॉ नहीं लगाना, आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है क्या, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू वन होगा, है कि नहीं? यस सर। तो पी स्क्वायर क्या है, 64, क्यू स्क्वायर क्या है, 81, मुझे 2PQ निकालना है, मुझे कुछ करना ही नहीं, तो क्या करूं, इसका रूट कर दूं P निकालने के लिए, ये तो P स्क्वायर है ना, यस सर, तो P कितना होगा, 8, Q कितना होगा, 9, 2PQ कितना आएगा, 2 into 8 into 9, क्लियर है, यस सर, ठीक है, 72 जा, 144, है ना, इतने बन जाएंगे, निकल आया, कहीं पर हेट्रोजाइगस दिया होगा, वो बोलेगा बताओ रेसेसिव कितने बने, होमोजाइगस रेसेसिव कितने बने, इसी फॉर्मूले से रख के निकाल लेना, ठीक है, कई बारी बोलेगा कि इतने सारे सीड कलेक्ट किए गए, है ना, तो सीड से क्वेश्चन रिलेटेड आ जाएगा, लगाना ये लॉ, बताओ समझ आ गया, यस सर। आप बहुत बार क्या दिया होगा कि फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, है ना, तो बस वहीं पे पी स्क्वायर पे क्यू स्क्वायर पे रख देना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से निकाल लेना है, कुछ भी दिया हो आपको ऐसे इसी फॉर्मूले पे रख के निकालना है, सबको समझ में आ गया भाई हार्डी वेनबर्ग लॉ, यस सर, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें हार्डी वेनबर्ग लॉ, और जो चार ये फैक्टर बताए हैं ना कि हार्डी वेनबर्ग लॉ के रूल क्या है, मतलब कब ये काम करेगा, ये भी याद रखना, ये भी कई बार पूछेगा, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, कि कब ये एप्लीकेबल होगा, अरे ये बाकी लोग कहाँ गए भाई, दो ही लोग बचे, से दो ही बचे बस, मतलब आज कुछ खास बात है क्या, सो आई थिंक आज गणेश चतुर्थी है, अरे मुझे पता भी नहीं है, मैसेज तो आया था, हाँ सुबह मैसेज तो आए थे, लेकिन ये कोई मतलब कोई सेलिब्रेट कौन करता है, साउथ मतलब मराठी लोग करते हैं, हालांकि उनके लिए बड़ा फेस्टिवल है, नॉर्थ इंडिया में सेंट्रल इंडिया में कौन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब मैंने तो कुछ देखा नहीं, मैं बाहर ये गया था, ऐसे ही जून बूट का ऐसे गोला मार दिया होगा और कुछ नहीं, क्या बोल, कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको, तो भाई अब हमने एकदम पूरा का पूरा एवोल्यूशन कर लिया है, आप एक बार चेक कर लो, कुछ ना समझ में आए तो पूछो, एवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया 100%, देखो साथ कहीं पर एवोल्यूशन में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं सर, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो फिर से पढ़ना, और कहीं पर कुछ ना समझ में आए, कोई अगर हेडिंग, कोई सब हेडिंग या कोई टॉपिक अगर एवोल्यूशन में ना समझ में आए तो पूछ लेना, बहुत बड़ा चैप्टर है, यस, आप देखो हम लोगों ने ये तो सब कर लिया है ना, अब हमारा बचता है क्या, ये इकोलॉजी है, ये बचता है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, तो इसमें कौन कौन से बोर्ड में है, साथ ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है और साथ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये दो हैं या फिर ये दो नहीं है, ये दो हैं, ये दो हैं, हाँ ये दो हैं, है ना, तो हम पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और फिर स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसके बाद इकोसिस्टम, फिर एनवायरमेंटल इश्यूज बाद में, ठीक है, तो पहले हम वो वाले टॉपिक कवर करेंगे, वो चैप्टर जो बोर्ड में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, है ना, यस, तो अब एक सेकंड सर, नेक्स्ट क्लास से शुरू करें, आज तो सारे बच्चे चले गए, हाँ यार पता नहीं सब लोग चले गए, तीशा कोई डाउट हो बेटा बताओ, नो सर, सब समझ आ रहा है, आ रहा है सर, अच्छा, और कोई पुराने वाले किसी टॉपिक में कोई डाउट तुम दोनों लोगों को तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वी हैव टाइम, नहीं सर वो बात वापस रिवाइज, सर अब जो टेस्ट आ रहे हैं हमारे प्री टर्म वाले, तो वो एनजी से मैं सारा रिवाइज कर रहा हूं और ये वाली नोटबुक से, बिल्कुल बिल्कुल, आप रिवीजन करो और मैं बताऊं 100 में 100 आने चाहिए, साथ 100 out of 100 इस बार एग्जाम नहीं हुआ, रिकॉर्ड रहा वरना मेरा रिकॉर्ड है, और इस बार मेरा बहुत नुकसान हुआ, इस बार 3 बच्चे थे मेरे टारगेटेड जिनके 100 out of 100 आते, पर 100 point 3 बच्चे थे, और इस बार भी मुझे कई सारे लोगों से, आपके बहस में मुझे कई सारे लोगों से उम्मीद है, ठीक है, 100 out of 100 बायोलॉजी में बच्चे हर बार 100 out of 100 लाते मेरे बच्चे हर बार, यस, ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मेनी ऑफ यू, इस टाइम तो हो गया ना MCQ, तो फिर एक भी गलती जो है फिर वो चला जाता है,
देखो एमसीक्यू में ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, पता है देखो ये नीट के लेवल के नहीं होंगे शायद एमसीक्यू, नीट के लेवल पे तैयारी कर डालो कोई नहीं बचेगा, सब हो जाएगा। यस सर, शायद दो पार्ट में करवा रहे हैं क्या, पहला वाला एमसीक्यू दूसरा वाला रिटन, ऐसा कुछ हो रहा है ना सर? आई थिंक प्री टर्म वन होगा, 50 एमसीक्यूज होंगे हमारे वाले में, एटलीस्ट 50 एमसीक्यू होंगे प्री टर्म वन के अंदर, और 1.5 आवर देते हैं या कुछ ऐसे देंगे, आई थिंक 3 आवर्स देंगे आई थिंक। अच्छा अच्छा, एंड वो कर तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? थैंक यू सर, और ये इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू सर, यस सर, वेलकम, बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट सर।